आज पूरे भारतवर्ष के अंदर भारत सरकार ने एक प्लान बनाया है कि सभी राज्यों में जिला डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट आईटीआई हैं वहां पर अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां जितने भी पास आउट युवा जो ट्रेड आईटीआई पास कर लेते हैं उनको अप्रेंटिस लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अप्रेंटिस लगे, इसलिए सरकारी और प्राइवेट विभागों को बुलाया गया है ताकि यहाँ पर ही उनको अप्रेंटिस लगाया जा सके और उनके बॉन्ड तैयार कराए जा सकें। ये पहला ऐसा मौका है भारत सरकार ने जो पूरे देश के अंदर एक साथ हर एक राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का अप्रेंटिस मेला लगाने का प्लान बनाया। क्या फ़ायदा होगा युवाओं को? सर, इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को एक जल्दी अप्रेंटिस मिलेगी और विभाग यहाँ आकर के उनका अप्रेंटिस लगा करके जाएंगे, उन ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ प्लेसमेंट का भी हमने प्रोविज़न रखा है। कंपनियाँ जो आई हुई हैं उन कंपनियों के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों को जो अप्रेंटिस कर चुके हैं या बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी भी दें। मेरा नाम जोगिंदर है जी, मैंने वेल्डर पाइप से आईटीआई की है और आज हम पलवल में जॉब मेला लगा हुआ है। आज पलवल आईटीआई में जॉब मेले के लिए आए हुए हैं और इसमें बहुत सी कंपनियां लेने के लिए आई हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा है। इससे हमें प्लेसमेंट मिलती है और दूर दूर से कंपनी आई हुई हैं हमें लेने के लिए। अब आगे देखेंगे। क्या कहना है इस तरह के रोज़गार मेलों के बारे में? रोज़गार मेले हर साल में 2-3 बार आते रहते हैं, जिससे हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है और इससे बहुत फ़ायदा है हमें। आज पलवल आई टाइम में जॉब मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बाहर से बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं। इनका एक ही फ़ायदा मकसद होगा कि हमें कंपनियों में जाने नहीं पड़ता और कि हमें इधर से ही छांटा जाता है, मतलब दिया जाता है। इससे कि है कि हमें डोला फिरना नहीं पड़ता इधर। क्या कहना है उन मेलों के बारे में? मेलों के बारे में है कि बच्चे लिए जा रहे हैं, मदद भी मिलती है हमें इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा। मेरा नाम आकाश है और मैं आईटीआई कुशक से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास की है और आज हमारे आईटीआई पलवल में रोज़गार मेला लगा हुआ है। इधर कुछ कंपनियां भी आई हैं अप्रेंटिस के लिए और हम भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ आईटीआई पलवल में आए हुए हैं। क्या कहना है रोज़गार मेलों के बारे में? ये रोज़गार मेले हर वक्त लगने ज़रूरी हैं क्योंकि आजकल हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत फैल चुकी है, बहुत बेरोज़गार हैं युवा पढ़े लिखे, इसलिए ये हर साल लगने बहुत ज़रूरी हैं।